बिहार में उच्च शिक्षा का स्वरूप अब बदल जाएगा। मैट्रिक पास करने के बाद छात्र अब कॉलेज नहीं पहुंचेंगे, बल्कि एक बार फिर स्कूल में ही एडमिशन लेना होगा। ऐसा क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। जो में अब इंटर की पढ़ाई नहीं होगी, इंटर यानी 11वीं और 12वीं की पढ़ाई अब उच्च माध्यमिक स्कूलों में होगी। शिक्षा विभाग ने इस बारे में संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इसके लिए हवाला नई शिक्षा नीति का दिया गया है। कॉलेजों में पढ़ाई ग्रेजुएशन से शुरू होगी। शिक्षाविदों का मानना है कि यह व्यवस्था पहले से लागू होनी चाहिए, लेकिन देर से ही सही फैसला ले लिया गया है। जो शिक्षक जो पढ़ाते हैं उनका स्तर बौद्धिक रूप से और अनुसंधान के स्तर पे बहुत उच्च कोटि का रहता है, और वो जो कॉलेजों में जो इंटर की पढ़ाई बच्चों को मिलती थी या मिल रही है उससे बच्चों को लाभ तो होता था। बच्चे जो कोटा जाते थे, बच्चे जो दिल्ली जाते थे, बच्चे जो कई देश के कई एजुकेशनल हब को बनाने में बिहार के बच्चे चले गए हैं, वो पलायन रुकता या रुक रहा है। और लेकिन चलिए, सरकार का निर्णय है, नई शिक्षा नीति के तहत ये किया जाना है, ये कदम प्रशंसनीय है। और चूँकि कॉलेजों में जो पोस्ट सैंक्शन है वो इंटर को छोड़ के किया गया है, पद सृजन जो किया गया है, तो शिक्षक मिलते नहीं थे कॉलेज में। कॉलेज की भी अपनी समस्या है, जैसे कि हमको इंटर को पढ़ाने के लिए जो अतिरिक्त शिक्षक मिलते नहीं थे, जो ट्यूशन फी होता था तो वो भी लड़कियों का नहीं लीजिए, लड़कों का लीजिए, तो वो भी जो कोष आता था वो भी बहुत कहिए कि समुचित कोष नहीं आता था, समुचित निधि नहीं जमा हो पाती थी। 2007 में बिहार सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुताबिक कॉलेजों से इंटरमीडिएट की शिक्षा को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने का फैसला लिया था, लेकिन उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बुनियादी ढांचे की कमी के वजह से ही इसे पूरी तरह लागू नहीं किया जा सका था। सिर्फ पटना यूनिवर्सिटी में ही इंटर की पढ़ाई खत्म की गई थी। अब प्लस टू स्कूलों में बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली हुई है। उच्च माध्यमिक स्कूलों में 67,961 शिक्षक बहाल हुए हैं। इससे पहले सरकार ने हर पंचायत में एक उच्च माध्यमिक स्कूल खोलने का नीतिगत फैसला लिया था और मौजूदा माध्यमिक स्कूलों को उन्नत बनाया गया था। शिक्षाविदों का मानना है कि इससे छात्रों को विकल्प मिलेगा। विश्वविद्यालयों में पहले से ही काफी दबाव है। इंटर की पढ़ाई कहीं भी हो, विश्वविद्यालय में हो या प्लस टू स्कूल में हो, अच्छी होनी चाहिए। छात्र को पढ़ाई जहां अच्छा मिलेगा छात्र का जीवन सफल होगा, लेकिन पढ़ाई स्कूल में करने के पहले हम ये नहीं कि हम ये विश्वविद्यालय में पढ़ाई को हम विरोध कर रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। हम इतना ही कहेंगे कि जहाँ भी छात्रों की पढ़ाई हो अच्छा संसाधन होना चाहिए, टीचर वहाँ होनी चाहिए, तभी ना छात्र का जीवन सफल होगा। अब मान लिया जाए कोई कॉलेज है, वहाँ शिक्षक नहीं है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, या कोई प्लस टू स्कूल है वहाँ शिक्षक नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी ना। हम ये कहना चाहते हैं कि जहाँ हो, स्कूल में हो या कॉलेज में हो, वहाँ पर सारे सुविधा मौजूद होनी चाहिए, शिक्षक होने चाहिए, उसके अच्छे भवन होने चाहिए, सब ये चाहते हैं। नया नियम 1 अप्रैल से लागू होगा, यानी 2024 में 10वीं पास करने वाले छात्रों का एडमिशन अब कॉलेजों में नहीं होगा। कला, विज्ञान और वाणिज्य तीनों संकायों के छात्रों को उच्च माध्यमिक स्कूलों में ही एडमिशन लेना होगा। बिहार में उच्च शिक्षा का स्वरूप बदलने वाला है। बिहार के विश्वविद्यालयों में अब तक इंटर से पढ़ाई शुरू होती थी, लेकिन नए नियमों के मुताबिक अब इंटर की पढ़ाई विश्वविद्यालयों में नहीं होगी। कैमरा पर्सन राजेश के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।